नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार का पहला एक्सप्रेसवे। जी हां, बिहार में आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे के दूसरे पैकेज को मिली मंजूरी। 3 जिलों से सीधा जुड़ेगा राजधानी। बिहार में सड़कों के निर्माण पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार लगातार कार्य कर रही है। हाल ही में बिहार में कई एक्सप्रेसवे को भी मंजूरी मिली है। इन सब के अलावा कई नेशनल हाईवे का निर्माण भी बहुत तेजी से किया जा रहा है। इसी बीच केंद्रीय परिवहन एवं सड़क राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ट्विटर के जरिए बिहार वासियों को एक और बड़ी खुशखबरी दे दी है। केंद्रीय परिवहन एवं सड़क राजमार्ग मंत्री ने ट्विटर के जरिए जानकारी देते हुए ये बताया कि बिहार का पहला एक्सप्रेसवे जो कि आमस से दरभंगा के बीच बनाया जा रहा है, उसके दूसरे पैकेज जो कि शिवरामपुर से रामनगर के बीच 4 लेन खंड के लिए केंद्र सरकार ने अपनी मंजूरी दे दी है। जी हां, भारतमाला परियोजना के तहत इस एक्सप्रेसवे का काम किया जा रहा है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इसमें पहले पैकेज को कुछ ही दिन पहले मंजूरी मिली थी। बिहार के पथ निर्माण मंत्री ने भी यह जानकारी साझा करते हुए कहा कि डबल इंजन वाली इस सरकार का लाभ पूरे बिहार को मिल रहा है। जानकारी के लिए आपको बता दें, जहानाबाद पटना नालंदा से गुजरने वाले इस एक्सप्रेसवे पर 1494.31 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिसके लिए केंद्र सरकार ने अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। आमस दरभंगा NH 119D के पहले पैकेज के निर्माण के लिए 1390 करोड़ रुपये मंजूर किए गए थे। सूबे के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात किए थे, तब नितिन गडकरी ने यह जानकारी दी। इसके अलावा पटना गया डोभी राजमार्ग NH 83 को 6 लेन किए जाने पर भी चर्चा हुई थी। मंत्री नितिन नवीन ने यह कहा कि कुछ और परियोजना के प्रस्ताव केंद्रीय मंत्री के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं। उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि नए प्रस्तावों को भी जल्द मंजूरी मिल जाएगी। बता दें कि भारतमाला परियोजना के अंतर्गत आमस से दरभंगा NH पैकेज 1 के तहत आमस शिवरामपुर खंड का निर्माण होना है। इसके लिए 1390 करोड़ रुपये मंजूर मिली है। आमस से दरभंगा NH 119D एक्सप्रेसवे कंट्रोल्ड हाईवे है। इस पर 2.5 घंटे में NH 2 से ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का समय तय हो सकेगा। जी हाँ, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में कोई नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।